हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एंड एक्सरसाइज 1.2। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन एक्सरसाइज 1.1 एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड यू द PDF ऑफ सम बेसिक टर्म्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। लेट्स स्टार्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखिए, आपको बताना है कि एवरी इरेशनल नंबर मतलब हर जो इरेशनल नंबर होता है क्या होता है, रियल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड की थी उसके अंदर मैंने कुछ डेफिनेशन बताई थी रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। तो देखते हैं, कंसीडर द इरेशनल नंबर एंड द रियल नंबर्स सेपरेटली। वी नो दैट द इरेशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कांट बी कन्वर्टेड इन P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं रेशनल नंबर की बात करें तो उनकी क्या कंडीशन होती है, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें क्या हो, ये कन्वर्टेड नहीं हो सकते। वी नो दैट द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब अगर अपने बात करें, देखिए नंबर लाइन की, उसके अंदर देखिए जीरो से इस तरफ के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर, और अगर माइनस वाली टर्म्स भी इंक्लूड करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीजर्स। और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है तो उसे तो बोलते हैं रेशनल नंबर। और ऐसे डेसिमल नंबर्स मतलब देखिए रियल नंबर्स होते हैं, उसके अंदर देखिए थ्री फॉर्म्स हो जाती हैं आपकी, एक तो रेशनल, इरेशनल एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखिए, जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, पार्ट ऑफ द रियल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर भी क्या है, पार्ट ऑफ द रियल नंबर। मतलब हर जो इरेशनल नंबर होगा वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो रेशनल भी हो सकते हैं और वो इंटीजर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, देन इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। तो वी कंक्लूड दैट यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। कंसीडर नंबर लाइन, नंबर लाइन बना ली हमने। वी नो दैट द नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अब देखिए नंबर लाइन पे जीरो हो गया, जीरो के ये देखिए राइट साइड में जो होते हैं क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, वी नो दैट वी कैन नॉट गेट ए नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, देयर फोर वी कंक्लूड दैट एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो आपके सेकेंड का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ये आपकी क्या है, एक्सप्लेनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज ए रिलेशनल नंबर। तो इसका आंसर मैंने आपको फर्स्ट के साथ में दे दिया था, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए इंटीजर्स के अंदर सारे आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, etc। अब यहाँ पर देखिए, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल, इरेशनल एंड इंटीजर्स, सो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स। इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, फॉल्स। कंसीडर द इरेशनल नंबर एंड द रियल नंबर सेपरेटली। वी नो दैट द इरेशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वी नो दैट द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मतलब जो कि हर इरेशनल नंबर होगा वो तो रियल नंबर होगा, बट एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर, देयर फोर वी कंक्लूड दैट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मतलब जो स्क्वायर रूट होता है हर इंटीजर का क्या होता है, इरेशनल होता है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल नॉट यील्ड एन इंटीजर, वी नो दैट। अब देखिए, अगर अपने रूट 4 की बात करें तो ये किसका होता है, 2 का, विच इज एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर होता है। बट रूट 7 की बात करें
इसको अपने सोल्व नहीं कर सकते, ये क्या आएगा, डेसिमल में आएगा आंसर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ना ही इसे अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर फॉर वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, शो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर भी स्क्वायर है, जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो मतलब क्या आ गया, रूट फाइव। मतलब रूट फाइव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के मतलब क्या हुआ, देखिए अगर अपने पाइथागोरस से बात करें तो ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये वाला, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखिए अगर मैंने बात की यूनिट की, अब इसको देखिए आपको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी के अंदर ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट लेंगे बी, सॉरी पॉइंट लेंगे ओ, ओ से देखिए हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है बी पर। अब यहां से देखिए 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी पे ही हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे बनाना है 2 सेंटीमीटर। अब ओ और बी को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, रूट फाइव की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ओ से सी को क्या करना है, आपको कंपास से क्या करना है, मेजर करना है। ओ सी को मेजर करना है और इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, एक आर्क लगानी है। अब देखिए ये जो लाइन हो जाएगी ओ डी, ये क्या है आपका, रूट फाइव, ये आपका क्या है, नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, तब तक आप वीडियो को पढ़ते रहिए, और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि सोल्यूशन है आप अपनी कॉपी में लिख सकें। थैंक यू वेरी मच।